नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एस्पार्टेम, ये शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा। ये एक तरह की मिठास है जो चीनी से भी 160 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, श्विंगम जैसी बहुत सारी चीजों में एस्पार्टेम मिला होता है और अक्सर इसे हेल्दी स्वीटनर कहकर भी बेचा जाता है या जीरो कैलोरी शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। मगर अब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC, जो कि एक WHO के ही अंग है आप कह सकते हैं, उसने कहा है कि ये शरीर में कैंसर को जन्म दे सकता है। और इस शो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एस्पार्टेम को लेकर कौन सी चेतावनी WHO की इस संस्था देने की अब तैयारी कर रही है और कैसे इसे आपके जीवन या रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों से बाहर करना है। साथ ही जानेंगे इस मामले में अब सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन चर्चा करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डाइट कोक, डाइट पेप्सी को हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक कहकर बेचा जाता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनके लिए भी हर तरह के लो कैलोरी प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं। सेहत के प्रति जागरूक लोग इन चीजों का जमकर इस्तेमाल करते हैं, मगर इन सभी लोगों को WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल बाजार में सभी हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम और कई दूसरी खाने पीने वाली चीजों में एस्पार्टेम नाम का एक स्वीटनर मिला होता है। आज से पहले तक ये माना जाता था कि एस्पार्टेम पूरी तरह सुरक्षित है, मगर अब ताजा रिसर्च में ये पता चला है कि ये कार्सोजेनिक है यानी इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि एस्पार्टेम है क्या? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले डाइपेप्टाइड का मेथिल ईस्टर है तथा फेनिल एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड का हिस्सा है। एस्पार्टेम चीनी से 160 से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। ऐसे में इसकी बहुत छोटी मात्रा से ही चीजें बहुत मीठी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा कैलोरी का इस्तेमाल भी नहीं होता। अक्सर इसे शुगर फ्री के नाम से जाना और बेचा जाता है। अमेरिकी FDA ने 1981 में एस्पार्टेम का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में करने की मंजूरी दी थी। तब से लेकर 5 बार इसकी समीक्षा हुई है। अब तो अमेरिका, भारत सहित 90 देशों में अनगिनत खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्पार्टेम को चूंकि हेल्दी प्रोडक्ट के नाम से बेचा जा रहा था इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल हाई एंड प्रोडक्ट्स में होता है। अब WHO जुलाई में खतरनाक चीजों की लिस्ट में एस्पार्टेम को शामिल करेगा। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एक बैठक करेगी जहां पहली बार एस्पार्टेम को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्वीटनर एसोसिएशन यानी ISA इसे एक साजिश बता रहा है। उसने कहा कि इस तरह की समीक्षा से ग्राहक गुमराह हो सकते हैं। उसका कहना है कि IARC एक फूड सेफ्टी संस्था नहीं है, उसकी एस्पार्टेम की समीक्षा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है और ये व्यापक रूप से इसे बदनाम करने वाले शोध पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है और पूरी दुनिया में इस पर अब चर्चा हो रही है। इस पर आज हमारे शो में चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है महेश जगड़े सर जो कि पूर्व FDA कमिश्नर है महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है जगड़े सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर ये बात अगर वाकई में सच हुई और इसकी तैयारी अगर कर रही है ये संस्था, जो संभवतः औपचारिक रूप से शायद 14-15 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है कि औपचारिक फाइंडिंग्स के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, ऐसे में तो सर दुनिया भर के जितने फिजी ड्रिंक्स हैं, च्युइंगम्स हैं, लो कैलोरी फूड्स हैं, लो कैलोरी डाइट वाले जितने, सब जगह मैं देख रहा हूं कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब आपको पोटेंशियल कैंसर रिस्क वाले घोषित करने पड़ेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये और आप कितना सहमत हैं इस फाइंडिंग से सर? जी देखिए, अभी इस रिसर्च को बहुत पुख्ता तरीके से नहीं लेना है। नंबर वन, उसका कारण क्या है? पैनिक होगा। एस्पार्टेम आपको समझना होगा, ये एक अल्सर के मेडिसिन की तरह इसका रिसर्च हुआ था
लेकिन बाद में देखा गया स्टमक में जो गैस्ट्रिक अल्सर होता उसमें कारगर नहीं हुआ, दो एमिनोसिड का कॉम्बिनेशन था। देखा गया इसका टेस्ट बहुत मीठा है, इसका इस्तेमाल कर दिया गया, क्योंकि रिसर्च में जो खर्चा होता है उसका खर्चा कहीं से निकालना था, बहुत सांस चल रहा था। पेप्सिको ने 2015 में इसको बैन किया, 2020 तक बैन किया, 2020 में फिर से रीइंस्टेट कर दिया कि फिर से हम मिलाएंगे, इसमें चल रहा था। इसमें अभी आईआरसी ने कहा है पॉसिबल कार्सिनोजेन, पॉसिबल कार्सिनोजेन मोबाइल यूज को भी कहा गया है पॉसिबल कार्सिनोजेन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को, इसके रिसर्च के लंबे समय तक आने की अवधि की जरूरत है। अब इसमें कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसको हम कहते हैं कुछ कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ी हैं जो कैंसर रिस्क को बढ़ाती हैं, ये सच है कैंसर रिस्क को बढ़ाता है, ऐसी कड़ियां जुड़ी है जिसमें ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से इसका संबंध जोड़ा गया है, ये कुछ रिसर्च में जरूर सामने आया है, इसलिए बहुत अच्छा। दूसरा, क्वांटिटी कितनी और कितने समय तक, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है एक जो आप सोडा पीते हैं, नाम किसी का लेना उचित नहीं है, मतलब कोल्ड ड्रिंक जो डाइट के नाम से आती है सारी, 12 से 20 केन रोज अगर पिए 5 साल से ज्यादा तक, तब कैंसर इसका खतरा बढ़ा। तो ये भी देखना है कि कितनी क्वांटिटी कितने समय तक आप पी रहे हैं, तो रिस्क है, लेकिन रिस्क है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। डॉक्टर लेले, आपका क्या इस पर टेक है और इसको भारत में कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, अभी ये जो एस्पर्टन जो है काफी टाइम से इसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च चल रहा है। शुरू में ये जो स्टडी किया गया था उसके ऊपर जो एनिमल इश्यूज आए थे उसमें कैंसर देखा गया था अभी, लेकिन ये जो रिसेंट स्टडी है जिसके अनाउंसमेंट अभी ऑफिशियली आप जैसे बोले कि 15 जुलाई के आसपास होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आज जो लास्ट 1-2 महीने में जो उनको स्ट्रेंथ मिला है, जो इम्पोर्टेंस मिला है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ऑन ह्यूमन बॉडीज के ऊपर इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आ सकता है, स्पेशली ल्यूकोमियाज है, स्टमक है, तो इसका इस्तेमाल करना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम 10 से 12 ड्रिंक्स ले, लेकिन कलेक्टिवली, जैसे कोई डायबिटीज है वो कलेक्टिवली पूरे दिन में जास्ती वो दवा खा सकता है, जैसे चाय में 3-4 टाइम चाय ले लो, 3-4 टाइम कोई दूसरी स्वीट डिश ले लो, 3-4 टाइम कोई दूध में ले लो, तो वो हिसाब से कलेक्टिवली वो काफी हद तक वो उसका मात्रा हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से ध्यान दे के स्टडी करके, अगर वो बैन करता है, WHO अगर बैन करता है, तो नेचुरली वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि WHO स्टडी करके ही बैन कर रहा है, उसके ऊपर काफी हद तक उसके ऊपर रिसर्च हो गया है। तो ये हम लोग अगर सावधानी से बरते अभी फिलहाल, अगर कम करें और बाद में जाके उसको बैन हो जाएगा तो उसको हम लोग डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए लोगों ने, और उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए। एस्पार्टिन शुरू में आया तभी बहुत इफेक्टिव और लोगों को अच्छा लगा था, लेकिन अभी जैसे हम लोग को खतरा मौजूद आया, तो डेफिनेटली आज के तारीख में आप देखो सब जगह पे हर टाइप के कैंसर्स मैलिग्नेंसीज बढ़ रहे हैं, उसके कारण कई प्रकार है, वो कारण अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और मात्रा कितनी भी हो, कभी कभी छोटी मात्रा भी कारणीभूत हो सकती है। Absolutely. तो ये ध्यान में रखिए, आपको कॉशियसली इसके ऊपर विचार करना चाहिए। WHO अगर बैन करता है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, अब देखिए इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें पॉसिबल कार्सिनोजेनिक की बात की जा रही है, और जैसा डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा, इससे पहले भी WHO ने रेड मीट में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होने की बात कही थी, बाद में कई रिसर्च में वो क्रॉस चेक हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, बात सही पाई गई। इसी तरह से ओवरनाइट वर्किंग और मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल में भी जो WHO ने बात कही गई है उसके बाकायदा एविडेंसेज हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को नकारने वाले कह रहे हैं कि साहब IARC जो है ये संस्था, इसके साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नहीं है। लेकिन दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पहला WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी, इन दोनों की एक जॉइंट संस्था है जिसे JECFA कहा जाता है, नंबर वन, और नंबर टू IARC। तो ये दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं ये एक ही दिन यानी कि जुलाई 14 या 15 के आसपास अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगी एस्पार्टेम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक साथ दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की एस्पार्टेम के ऊपर रिपोर्ट आने वाली है, उसके आधार पर हम पुख्ता तौर पर कह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर झगड़े, अक्सर ये देखने में आता है कि WHO कह दे, दूसरी संस्थाएं कह दे, कल ही हम शो कर रहे थे सर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं,
कनाडा में बैन, अमेरिका में बैन, लेकिन भारत में महाराष्ट्र सरकार में आपने देखा कि हाई कोर्ट ने फिर उनको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियम बना दें, अपने ऑब्जर्वेशंस दे दें और हमारे यहाँ उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाए? दीपक, इसमें दो चीजें हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा वो रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इसमें अभी ये जो एस्पार्टम की बात की है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में ये हो सकता है। आपको अभी मालूम है कि इनकी रिपोर्ट आनी है जॉइंट कमिटी ऑफ WHO एंड FAO और IARC की रिपोर्ट आने वाली है, वो तो आएगी। ऐसा ही होता है, अभी 1901 यानी 122 साल पहले हीरोइन हाइड्रोक्लोराइड एक कफ के लिए मेडिसिन दिया जाता था, बाद में वो आपको मालूम है हीरोइन क्या बन गया। तो जब शुरुआत में आता है उसको लोगों को लगता है कि जिसका एस्पार्टम आया और वो ऐसा स्वीटनर है, अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम क्या है, उसके मॉलिक्यूल बॉडी में क्या करते हैं, कैंसर जनरेट करते क्या नहीं है, बहुत बात आता है। दूसरा, रेगुलेटर के पास कोई ऐसी इसकी कुछ ये है क्या जानने के लिए कि इससे कैंसर होता है या नहीं होता है, उसको परमिशन दिया जाए या नहीं जाए FDA ने और रेगुलेटर ने, उनके पास कुछ ना, दे डिपेंड ऑन ये जो IARC होती है और ऐसी जो WHO और FAO की संस्था है उनकी ज्वाइंट कमिटी होती है, उनसे होती है और जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर, उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर होती है। मुझे लगता है कि ये सब चीजों में अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट किसके है, ये मार्केट प्रोडक्ट है। अभी जिसमें एस्पार्टम यूज किया जाता है वो बहुत एसेंशियल है क्या, फूड करके एसेंशियल है क्या? मुझे लगता है कि नहीं है। तो ये रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है। अभी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, अभी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और पब्लिक को भी बताना चाहिए कि हम इतने फाइन केमिकल के लिए बॉडी नहीं बनी है। 25-30 लाख ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ये बॉडी बनी है तो बहुत रॉ इसके लिए बनी है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्ट्स बना के बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं और इसका इस्तेमाल फिर कोलाज होता है, च्युइंगम होता है, इसकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि पब्लिक को एट लार्ज ये करना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो पाया गया है और उसमें कैंसर होने के आसार है। Absolutely. तो इससे अगर किया तो आगे आके रिसर्च क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, जैसे कि आपको गुटखा और पान मसाला 1960-70 से लेके आया, फिर बैन करना पड़ा कभी जाके तो 2013-14 में, तब तक कितने कैंसर के लोग उसमें चले गए। और IARC ने बहुत सारे पहले बताया था कि इसमें क्लास वन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, अरिकानट यानी सुपारी हम खाते हैं उसमें भी कैंसर जो है, लेकिन कोई इसमें ऐसा बैन करने का कुछ होता नहीं है और उसके पे समय बहुत चले जाता है। एस्पार्टम की अभी एक बात आ गई तो अभी आ गई, अभी तक जितना भी एस्पार्टम का कितना टर्न इस्तेमाल किया गया होगा पूरे ये बहुत उसका क्या असर हुआ होगा ये किसी को पता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, 1981 से इसको इजाजत मिली हुई है, अब जाके फाइंडिंग्स आ रही हैं, अब जाके बैन करने की बात, कितने सारे लोग एक्सपोज हो चुके होंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में भी कह रहा था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि सैंपल आपने लिए थे 2018 में और महाराष्ट्र सरकार ने उसको बैन करने की बात कही 2022 में, तो 4 साल तक। दीपक मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं जब FDA कमिश्नर था मैंने ये कंपनी बंद करवाई थी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया था 2013 में। अच्छा, बाद में जाके उन्होंने हाईकोर्ट से किया था, फिर बाद में 2018 में बात आ गई और US में उन्होंने विथड्रॉ किया ये प्रोडक्ट, हमें कनाडा में विथड्रॉ किया है। तो हम ऐसे जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम क्या पंचिंग बैग बन रहे हैं इसके मार्केट इकोनॉमी के, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट डंप किया जाए, पैसा बनाया जाए? मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने कही तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर, रेगुलेटर पे सवाल उठते हैं, इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने जॉनसन एंड जॉनसन वाले पे कुछ नहीं कहा। खैर, मैं बार बार उसका रेफरेंस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर बैन करने की बात आई तो फिर कंपनीज किस तरह से रूट निकाल लेती हैं बड़ी बड़ी, ये भी हम सबके सामने है। तो एक अगर ये हेल्थ को लेकर एक अलार्मिंग सिचुएशन ला रही है तो उसके बाद सरकार को ये देखना होगा कि कैसे वो इन प्रोडक्ट्स को बाहर करती है, क्योंकि अधिकार दोनों तरफ से होते हैं, कंपनियों के भी अधिकार हैं, नागरिकों को भी सुरक्षा का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है। बहरहाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शुगर फ्री के नाम पर जो कुछ भी मार्केट में बिक रहा है, क्या अब उन सारे प्रोडक्ट्स पर एक सवालिया निशान लगेगा या कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एस्पार्टम नाम के इस आर्टिफिशियल स्वीटनर में पॉसिबिलिटी है कि यह कार्सिनोजेनिक हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं
WHO की जो संस्था है उसके हवाले से इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट संस्था की तरफ से 14 के आसपास आएगा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या वाकई में शुगर फ्री के नाम पर, डाइट के नाम पर जो हम उत्पादों को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं और दूसरे उत्पाद भी हैं, च्युइंगम्स भी हैं, तो क्या ये सब हमारे लिए खतरा है? डॉक्टर अंशुमान, देखिए अभी क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर ये पहली मर्तबा कंसर्न नहीं आए हैं, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में 2-3 स्टडीज आ गई हैं WHO के हवाले से ही। इससे पहले आया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का हेल्दी लोग प्रयोग ना करें, लॉन्ग रन में ये आपको डायबिटिक बना देगा, और WHO की तरफ से बाकायदा पुख्ता स्टडी के बाद ये दी गई। अब इसमें पॉसिबल कार्सिनोजेनिक होने की बात आ रही है, तो ये पूरा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ये शुगर फ्री का जो पूरा इकोसिस्टम है हमारे देश में, हम तो अपने देश की बात करेंगे, ये पूरे उस इकोसिस्टम पे सवाल उठा रहा है सर। देखिए दो पहलू है इसमें, जरा इसको अच्छे से डिकोड करके समझिए। इसमें फैटी लीवर होने की बात, टाइप 2 डायबिटीज होने की बात लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड स्टडी है, WHO ने आज उसको उठाया है, है लेकिन ये पुरानी स्टडी। कार्सिनोजेन वाली स्टडी पहले की भी रिपोर्ट हो चुकी थी, WHO ने उसको एक्युमुलेट करके अभी हाईलाइट किया है। दूसरा एक पहलू हो सकता है, जब कभी भी WHO का कंफ्लिक्ट किसी संस्था से, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से होता है, तो इस तरह की चीज होती है, उन पॉलिटिकल डिबेट में हम ना पड़े। समस्या कहाँ है अगर भारत को देखें, डायबिटिक के रोगी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए उनको हटा दें, आपको मालूम है स्पार्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हेल्दी पॉपुलेशन कर रहा है, डाइट कोक लेगा क्योंकि कैलोरी कम करनी है लेकिन साथ में बर्गर खाएंगे, इतनी हाई कैलोरी लेके आप डाइट कोक का नाटक कर रहे हैं। भारत की चीजें जैगरी, गुड़, शक्कर विदेशों में ऑर्गेनिक के नाम पे अनाप शनाप कीमत पे बिक रही है और हम हिंदुस्तानी जा रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर पे, जिसकी जरूरत नहीं थी। जैसा कमिश्नर साहब ने कहा, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि इनको मेडिकल की अच्छी जानकारी है कि इन्होंने कहा कि इतने फाइन केमिकल के लिए हमारी बॉडी बनी नहीं इवोल्यूशन में। तो जब भी कोई नया केमिकल आए उसके रिसर्च को, खासकर कैंसर रिसर्च को आने में लगभग 20 साल का समय लगता है, और टन इस्तेमाल इसमें हो जाता है और कितने लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर चुके होते हैं। तो हमें जरूरत है अनआइडेंटिफाइड, जिसका एविडेंस अभी तक नहीं आया है, उस चीज का धड़ल्ले से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि व्यापार ऐसा गिमिक है, एडवर्टीजमेंट करके मार्केट में ला के आपको पुश कर देते हैं, और रियली इंडिया एक पंचिंग बैग बन चुका है, कोई भी केमिकल कहीं ना चले इंडिया में पंप कर दो। आप बार बार जॉनसन का उठा रहे, उसके कई प्रोडक्ट बाहर बैन है US में और इंडिया में चल रहा है। इसलिए हमें एज ए पब्लिक नागरिक, एज ए सिविलाइज सोसाइटी, हमें बहुत पुख्ता तरीके से देखना है कि एसेंशियल नीड हमारी है तो ले, वांट में मत ले, और नीड वांट में हर समय अंतर समझना चाहिए तभी इस्तेमाल करें। देखिए ये बहुत जरूरी बात आपने बोली डॉक्टर लेले, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि भारत इस तरह के रिपोर्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपने यहाँ सैंपलिंग लेबोरेटरी व्यवस्था, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। अब हम ग्लोबल उत्पादों को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कोई चीज बाहर जाती है तो तुरंत जो है उस पर सवाल उठने लग जाते हैं, हमारे श्रिम्प को बैन कर दिया जाता है कि साहब इसमें ये हमारे जो कफ सिरप्स हैं उन पर सवाल उठते हैं, स्वाभाविक है और ये उठनी भी चाहिए। हमारे यहाँ से कोई गलत चीज़ आ रही है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत का तो सब ठीक ही हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल उत्पाद जब भारत में आते हैं हमारे पास कोई क्रॉस वेरिफिकेशन का कोई ऐसा लगता है कि जरिया ही नहीं है, और हम बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों महानुभाव की पंचिंग बैग बन जाते हैं, और पंचिंग बैग तो बन रहे हैं और सरकारी संस्थाओं के सामने बन रहे हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, ये बेचारगी की स्थिति कितनी खतरनाक है डॉक्टर लेले। यस डेफिनेटली, आपने जैसे बताया कि ये जो हम लोग जो गिनी पिग बन रहे हैं तो यही एक केमिकल नहीं है, देरे वैसे बहुत सारे केमिकल दूसरे भी इंडिया में आए थे और शुरू में लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है अच्छी तरह से, लेकिन एक 5-6 साल 10 साल जाने के बाद में रियलाइज होता है कि इधर गवर्नमेंट ने बाहर आउट ऑफ इंडिया बैन कर दिया है और हम तब तक वो कंज्यूम कर चुके हैं। तो नेचुरली हमारे यहाँ डेफिनेटली जो रिसर्च स्ट्रक्चर आप बोलते हैं, रिसर्च में इतना जितना इंडिया में होना चाहिए उतना नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और हमारे जो सभी प्रोडक्ट्स है इसी के लिए बाहर के गवर्नमेंट है, बाहर की फार्मेसी जो है वो हमारे यहाँ जास्ती ध्यान देती है, हमारे यहाँ जो मिलावट होने का जो एक इशू होता है इसके ऊपर भी हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए। और डेफिनेटली रिसर्च जो है वो पैरेलल रिसर्च हमारे यहाँ भी होना चाहिए जो आउट ऑफ इंडिया में होता है, जबकि वो यहाँ नहीं होता है, काफी लेट होता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं वो डेफिनेटली उसके ऊपर गवर्नमेंट ने विचार करके हमारी
फार्मेकोपिया जो मैनेज करने वाले लोग हैं इसके ऊपर रिसर्च करें, तो हम भी यहाँ जितना जल्दी वो कैंसर क्या पीडीड हो या कैंसर हो या कोई भी दूसरी जगह केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता होगा उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली चेक करें, उसको अगर बैन कर सकते हैं तो रिपोर्ट भी करें किसी की डर के बगैर, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग उसको रिपोर्टिंग नहीं करते, तो ये रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। तो ये दोनों सिस्टम आप करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया में ये आज अच्छी तरह से उसका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, और इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है, हम दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने की ओर अग्रसरित भी है, और अंडर 30 की जो एज है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंज्यूमर होता है एज ग्रुप, उसमें तो हम 2030 में दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज़ का क्रॉस वेरिफिकेशन का तंत्र ना होना, झगड़े सर ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारा श्रिम जाता है उसमें बोल देते हैं साहब आपके उसमें तो बैंड एंटीबायोटिक्स हैं हम नहीं लेंगे, हमारी कितनी दवाइयाँ बाहर जा सकती है, कितना पोटेंशियल है, वहाँ पर जो है छोटी छोटी चीज़ों पर वो बैन लगा देते हैं क्वालिटी इशूज़ के नाम पर, है ना। इसी तरह से दूसरे उत्पाद भी हैं, और दुनिया में इतने बड़े सवाल उठने के बाद हमारे कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है और हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा सर इसमें। ऐसा है दीपक कि अभी दो चीजें इसमें फिर से बताऊंगा कि एक तो रेगुलेटर जो है उन्होंने बहुत ये करके कि इसके ऊपर क्या असर हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, अगर थोड़े भी असर होने के चांसेस है तो उसके लिए उन्होंने वेट करके उसके लिए थोड़ा सा सख्ती बरतानी जरूरी होगी। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि ये जो है वो एक कैपिटलिज्म का अभी कंट्रोल आ गया है, मार्केट इकोनॉमी का कंट्रोल आ गया है, वो सब कंट्रोल थे और वो इवन रेगुलेटर को भी कंट्रोल करते हैं। मैं अभी मैं इस सिस्टम का पार्ट रहा हूँ इसलिए मैं बताऊं। तीसरी चीज है कि रेगुलेटर सिर्फ रेगुलेट करता है, मुझे लगता है कि रेगुलेटर का ये भी जॉब है कि उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या चीजें खानी चाहिए क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चीजें ऐसे है कि वो हेल्दी पॉपुलेशन ही ज्यादा खाती है, क्यों खाने का है उसमें, बाकी चीजें तो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये जो ऐसे केमिकल का आई कॉल इट एज केमिकल असॉल्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और ये केमिकल असॉल्ट की वजह से फिर किडनी हार्ट ये वो बहुत सारे चीजें जो होती है हो रही है। जगरे सर मैं यहाँ पे देखिए मैं जापान का उदाहरण देता हूँ। इस रिपोर्ट के आने के बाद जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने WHO को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, ऐसे में तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस हम में क्यों नहीं है। अगर वो बात सही है या गलत है जो भी है, कम से कम वो कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए, हमें मालूम है कि हम इन सारी कंपनीज का बहुत बड़ा मार्केट है, तो एक हम इतने कॉन्फिडेंस से ये WHO को क्यों नहीं बोलते हैं कि आप ये कंफ्यूजन मत कीजिए या फिर हमारे यहाँ हमको एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट्स दीजिए, ये कॉन्फिडेंस हमें क्यों नहीं है सर। उसमें ऐसा है कि हमारा कानून जो है कॉन्फिडेंस लाने के लिए कानून बहुत अच्छा है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनली कंप्लायंट है, जैसे कि जापान के कानून है US के कानून है उतना वो अच्छा है, लेकिन वो कंप्लायंट होने के बावजूद उसके जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे जापान ने देखा वैसा कॉन्फिडेंस का कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है रेगुलेटर का वो नहीं बन पाया इस देश में। मुझे लगता है कि उस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस एक बड़ा सबसे बड़ा आप जैसे कर रहे हैं कि कंज्यूमर मार्केट है उन्होंने दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी आएगा वो आना आएगा, हम ठीक है आप मार्केट कीजिए लेकिन वो 100% उसका वो कोई गलत असर नहीं होगा ऐसे करके उसको होना है। और मुझे लगता है कि फिर जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसके हम मेंबर्स है WHO है FAO है हमने उनको जैसे जापान ने कहा उन्होंने सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलस कंट्री है उन्होंने बताना चाहिए कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा उसमें इफेक्ट होने वाली है यू प्लीज टेल अस, लेकिन ये रेगुलेटर का कल्चर वैसा नहीं बना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से फिर ऐसी चीजें होती है और बहुत बहुत चीजें आती रहती है। बिल्कुल सर, जैसे कि डॉक्टर लेलिन ने बताया ये चीजें होती है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हम शानदार काम कर रहे हैं, जैसे मैं बता भी रहा हूँ बहुत बड़ा हम मार्केट बन रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के साथ साथ हमको रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पे भी काम करना पड़ेगा, खास तौर से ये जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर से जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, जो भी है, इसमें बहुत जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कंपनीज की। सही है गलत है हम ये नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स आएंगी वो बताएंगी, लेकिन अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिक्स होनी चाहिए उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ये मैकेनिज्म कम से कम इंडिया में तो अब हो जाना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनेस के मामले में भी अब भारत सरकार को फसाई को अपनी तरफ से कदम उठाकर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि एक कंज्यूमर का राइट है कि अगर कहीं से खबरें आ रही हैं वो खबरें सही हैं या नहीं हैं उनकी पुष्टि सरकार की तरफ से फसाई की तरफ से होना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस शो पर आने के लिए। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर महेश झगड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर लेले, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा, में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।